2020 में कोरोना की शुरुआत के बाद से उत्तर पूर्व राज्यों के कई इलाकों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम है। 2020 की शुरुआत में राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद से अब तक राज्य में 40,000 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं इस बारे में असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि असम में बाढ़ से हालत बेहद बुरे थे। बाढ़ के कारण लगभग 900 सुअरों की मौत हो गई है। मंत्री ने बताया कि ये एक घातक बीमारी है और 100% सुअरों की मौत इस वजह से हुई है। इस वक्त असम के 22 जिलों में 72 उपकेंद्रों की पहचान की गई है। Our state has badly affected from African swine fever. We have identified 72 numbers of epicenter in the entire state. And we have identified 72 epicenter. And because of, as you know, that entire state has been ravaged by flood. And this disease is epidemic and mortality rate is 100%. And people are not willing for culling. That is also a major problem for us. So culling is the only option. Mortality rate is 100%. And it is very difficult to maintain biosecurity under this juncture. So, we have those, epicenter we have identified, and we have taken some drastic measure, and district administration is also supporting us. So, till July, how many persons died in this one of the African swine fever? Till July, 900 pig died and culling done 515. And we have already paid 1.48 crores to the farmers. Already we have paid. जानकारी के लिए बता दें कि असम में सुअर पालक बड़ी संख्या में है, जिस कारण लोग उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केवल सरकार के पास किलिंग एकमात्र विकल्प है। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले देखने को मिले हैं। कई पूर्वोत्तर के राज्य इससे प्रभावित है। वहीं इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी सुअरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इलाके में अब तक 140 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। इलाके में सुअरों के मरने से बड़ी आबादी के बीच महामारी का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कौन सी बीमारी है। दरअसल अफ्रीकन स्वाइन फ्लू अत्यधिक संक्रामक पशु रोग है। ये घरेलू और जंगली सुअरों को संक्रमित करता है। इससे संक्रमित सुअर एक प्रकार के तीव्र बुखार से पीड़ित होते हैं। इस बीमारी को पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है। वहीं इस बुखार का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका केवल जानवरों को मारना है। वहीं जो लोग इस बीमारी से ग्रसित सुअरों के मांस का सेवन करते हैं, उन्हें तेज बुखार, अवसाद सहित कई गंभीर समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंसानों को प्रभावित करता है। कई शोधकर्ताओं का दावा है कि इस संक्रमण से मनुष्य को किसी तरह का खतरा नहीं है। एक सुअर से दूसरा सुअर संक्रमित हो सकता है, लेकिन मनुष्य को घबराने की जरूरत नहीं है। ये संक्रमण मनुष्य को नहीं प्रभावित करता है।
हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा पशुपालकों को दवाएं वितरित की जा रही हैं और सफाई का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। फिलहाल अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को देखते हुए राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। महामारी न फैले इसके लिए भी सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।